मुंबई पुलिस ने यह कहा है कि अर्णब गोस्वामी का रिपब्लिक टीवी और दो आधार चैनल, एक है फक्त मराठी, दो है बॉक्स सिनेमा, ये तीन चैनल टीआरपी फ्राउड करते थे। एक्चुअली टीआरपी होता क्या है, क्या इसको चोरी करना मुमकिन है या नहीं, किस अगर मुमकिन है तो किस तरह टीआरपी चोरी किया जाते हैं, इसके बारे में आज हम बताएंगे। मुंबई पुलिस ने यह कहा है कि वो लोग कुछ लोगों पे ये इन्वेस्टिगेशन की, जिनके घर में ये बैरोमीटर लगा रहता है जिससे ये कैलकुलेट किया जाता है, उन लोगों से ये मालूम हुआ कि उन लोगों को पैसा दिया जाते थे हर रोज़ के लिए 500-600 रुपया करके, ताकि एक पार्टिकुलर चैनल को वो ज़्यादा देखे। इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए जो एसोसिएशन लगा हुआ है, उनके दो फार्मर एम्प्लॉय के अरेस्ट किए, वहाँ से मुंबई पुलिस को ये मालूम हुआ कि उन लोगों को पैसा दिया गया था, जहाँ से तकरीबन 27 लाख पैसा मिला है, कि इन पैसा को लोगों में बांटने के लिए दिया गया था। एक्चुअली ये पैसा किस तरह वो बांटने वाले थे और किस तरह ये कैलकुलेशन किया जाते हैं टीआरपी, उसका डिटेल्स हम आपको बताएंगे। ये जो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होते हैं, इसके लिए सारे देश के लोगों से इसका कैलकुलेशन नहीं किया जाते, सिर्फ 40,000 हाउस से इसका कैलकुलेट किया जाते हैं। 45,000 लोगों के घर में एक मीटर लगा हुआ रहता है, जिसको बैरोमीटर कहा जाते हैं। ये 45,000 में जो आपको कैलकुलेशन का हिसाब दे रहा हूँ, ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, ये 100% एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि असली जो उसका हिसाब है वो किसी वेबसाइट पे नहीं है, कहाँ ये बोला जाता है कि 45,000 और दूसरा वेबसाइट में ये बोला है कि 30,000। अगर हम 45,000 मान लेते हैं, ठीक है, 45,000 घर में एक मीटर लगा हुआ है, हर एक घर में बैरोमीटर लगा हुआ है, उस मीटर से हमें ये पता चलता है कि इस घर के कौन सा बंदा इस टीवी को कितना समय तक कौन सा चैनल देखता है, ये इंफॉर्मेशन वो उस एजेंसी को भेजता है, और वो एजेंसी क्या क्या इस ये जो 45,000 लोग हैं, इसको 12 कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में ग्रुप की है, जहाँ से उनको कौन सा कैटेगरी के लोग कितना धनी है, कौन किसके कितना एडुकेशन, किसके फैमिली में कितना एडुकेटेड पर्सन है, इसका सारा कैलकुलेशन वह उस मीटर में उठते हैं, क्योंकि उस फैमिली के हर एक मेंबर के लिए अलग अलग आईडी रहता है, उस आईडी को प्रेस करके वो टीवी देखते हैं। दैट मीन्स ये जो बैरोमीटर रहता है, इससे वो जो एसोसिएशन है बार्क, लेकिन बार्क तो यह इस वक्त काम नहीं कर रहा है, वो दूसरा एजेंसी को ये काम करने के लिए दिया है। हंसा रिसर्च ग्रुप नाम के एक ग्रुप को इस काम को करने के लिए दिया गया है, और वो इस काम को कर रहे हैं, लेकिन उसका जो एम्प्लॉई है उनको पुलिस का ये दावा है कि उनको पैसा दिया गया है, इन तीन चैनल में से पैसा दिया गया है, ताकि तुम लोगों को, जिन लोगों के घर में ये बैरोमीटर है, वो पार्टिकुलर लोगों को ये बताओ कि इस चैनल को ज़्यादा देखो। पुलिस ने ये भी बताया कि बहुत सारे घर में ऐसा भी है जो इंग्लिश नहीं जानते हैं, लेकिन उनके घर में इंग्लिश चैनल चलते थे। हंसा ग्रुप के वो फार्मर एम्प्लॉय के अरेस्ट करने के बाद पुलिस को ये भी मालूम हुआ है कि हर एक हाउस होल्ड को हर रोज़ के लिए 400-600 रुपया तक उन लोगों को दिए जाते थे, इसीलिए वो लोग उस पार्टिकुलर चैनल को ज़्यादा देखते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि टीआरपी ज़्यादा होने से क्या फ़ायदा होता है। अगर आपका टीआरपी ज़्यादा होते हैं तो आपके चैनल में एडवर्टाइज ज़्यादा आएगा, एडवर्टाइजमेंट के लिए जो एजेंसी होते हैं उनके लिए जो एसोसिएशन है वो है बार्क, और बाक से ही ये कैलकुलेशन किए जाते हैं कि कौन सा चैनल को इस वक्त कितना टीआरपी मिल रहा है, उसको कितना पैसा मिलना चाहिए। दैट मीन्स जिस चैनल का टीआरपी ज़्यादा है वहाँ पे एडवर्टिजमेंट ज़्यादा आएगा और उस चैनल का अर्निंग भी ज़्यादा होगा। कुछ लोग ये भी बोल रहा है कि ये टीआरपी कैलकुलेशन का जो सिस्टम है इसको बंद करना चाहिए। क्या आप टीआरपी कैलकुलेशन को बंद करने के खिलाफ है या पक्ष में है, आप कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन आइकन क्लिक कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले।